देवर जी, आप अपनी हल्दी छुड़ा कर रख लीजिए और जाकर नहा लीजिए। ऐसे कैसे नहा लेगा? आपके हाथ से हल्दी लगवाए बिना शादी कर लेगा क्या? और भाई, भाई के हल्दी लगाए बिना शादी कर लेगा तू? थैंक यू पापा। अगर अभी सौम्या को लोग कसम नहीं लेती होंगी ना ईर्ष्या अलग रहने की, तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। नौबत नहीं आती। आज अगर इतने सौम्या होती और हीर समझा देती तो हीर उसकी बात मानती और इस शादी से मना करती, लेकिन गल समझ नहीं आई। सौम्या बिना मिले ही चली गई। सौम्या अपनी कसम कभी नहीं तोड़ेगी, फिर भी यही सोच रही हूँ कि अगर सौम्या हीर से मिलकर उसे समझा देती ना तो हीर जरूर समझ जाएगी। मेरा ख्याल है प्रीत, सौम्या यही कहीं होगी आसपास में, उसे ढूंढते हैं, उससे तकीद करते हैं कि हीर नू समझा और मैं पूरा यकीन उसकी गल मान लेगी। होगी तो यही कहीं, कहाँ होगी ये उसे जरूर पता होगा। जी आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक आप रहना चाहो आराम से रहो। जी ओ जी एक मिनट रुको जी, जरा लाइट जगा दूं मैं। एक जरा लगता है जी कनेक्शन ढीला हो गया है। वो क्या है ना, मैं बिजली वाले को बुला के ठीक कराने वाला था, पर ये लॉकडाउन के चक्कर में हो नहीं पाया जी। कोई बात नहीं, मैं खुद ठीक कर देता हूँ। जी बोलिए। मलिका, सौम्या वापस आ गई है। सौम्या? हाँ, उसने हीर के कमरे में चिट्ठी छोड़ी है। चिट्ठी में लिखा है कि हीर ये शादी ना करे। किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन लेकिन अगर वो लौट आई है तो मेरा और हरक जी का उससे मिलना बहुत जरूरी है। जी मैं देखती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं करती हूँ कुछ। हाँ करती हूँ। जी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जी, लो मैंने ठीक कर दिया, आ गई लाइट। अच्छा हुआ आपने ही लाइट ठीक कर दी, ये लीजिए। ओह जी थैंक यू सो मच जी। बाकी आप किसी बात की चिंता ना करें हैं, आसपास वाले हो सकता है कुछ सवाल पूछें कि जी कहां से आए हो, क्यों आए हो, तो बस उनको अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दीजिएगा, बस फर्स्ट क्लास। बाकी आराम से रहो जी, कोई तकलीफ नहीं है। जी जी आप फिक्र ना कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। ऊपर वाले का रहमो करम है कि हम ये सब कोविड से बचे हुए हैं जी। आगे भी कुछ नहीं होगा जी। अच्छा जय माता दी, चलता हूँ मैं। है जी, जय माता दी।
हीर की हल्दी हो चुकी है। अब उसकी शादी अगर तुम रोक सकती हो तो रोक लो। मेरी लाइफ की हर खबर रखती हो ना तुम गुलाबू, तो तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि आज मेरी हल्दी हो चुकी है। अगर तुम सचमुच मेरी गुलाबू थी ना तो तुम दोबारा मुझे समझाने जरूर आओगी, मुझे पूरा यकीन है। और तब मैं तुम्हें कोई चिट्ठी रखकर भागने नहीं दूंगी गुलाबू, बल्कि तुम्हें पकड़ूंगी और तुमसे पूछूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, कौन सी मजबूरी है जो तुम मुझसे मिल नहीं सकती या मिलना नहीं चाहती, कि अब तुम क्यों चाहती हो कि मैं ये शादी तोड़ दूं। गुलाबो हजार सवाल है मेरे मन में, हर एक सवाल का जवाब लेना है मुझे तुमसे, वो भी आमने सामने। और जब तुम मेरे सामने होगी ना गुलाबो, तब तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के मैं पूछूंगी, तब देखती हूँ कैसे जवाब नहीं देती हो मेरा। अरे तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारा वुड बी हस्बैंड दे देगा। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। फिराट जो अभी खिड़की से लटका है, फिराट एक मिनट, हाथ सैनिटाइज तो कर लो। अरे ग्लव्स पहने तो थे। विराट फिर भी सैनिटाइजर है तुम्हारे पास? ओके हाँ है। सैनिटाइज तो कर लिया, घर जाके साबुन से अच्छे से हाथ धोना। ज्यादा देर तक सैनिटाइजर लगा नहीं रहना चाहिए हाथों में, इसमें अल्कोहल होता है। ओके ओके मेरी COVID-19 की प्रिकॉशंस बुक, अब ठीक है। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत, तेरे सजदे में सर झुकाओ, मुझे दे दे इतनी इजाजत। रात कोई है? कोई नहीं है, मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो। जो करने आया हूँ करने दो। क्या क्या करने आए हो? मेरे हल्दी लगाए बिना इस रस्म को मान लोगी तुम? हल्दी लगाने आया था तुम्हें, ये पूछने आया था कि कौन है वो दो इंसान जो एक ही इंसान से प्यार कर बैठे। I mean, इस दुनिया के सबसे बड़े डिलेमा में फंस चुके हैं वो लोग। फिर आपको बताया तो वो सोचेगा सबकी तरह मेरी गुलाबों भी हमारे प्यार के दुश्मन। नहीं, ये मामला मेरे और गुलाबों के बीच का है, इसे मैं खुद सॉल्व करूंगी। क्या हो गया? इस सोच में पड़ गई, मामला क्या है बताओ ना। तुम पड़ोसी आंटियों की तरह क्यों किसी के मामले के पीछे पड़े हो? कोई मामला नहीं है, और जिसका भी है मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे मैं अरे अरे क्या तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। अब हो गया ना वो काम जो करने आए थे, अब जाओ। अरे भगा रही हो मुझे? बेटा एक दिन और रुक जाओ, कल 8 बजे आ रहा हूं तुम्हें लेने, हमेशा के लिए। फिर इस बात का बदला लिया जाएगा। ले लेना बदला, जाओ जाओ। ओके ओके जा रहा हूँ, सी या, बाय। गुलाबो जगत पते है।